दहेज रिलायंस कंपनी सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करता कर्मचारी मूल उज्जैन ब्रिजेश शास्त्री पुत्रोल शास्त्रीए केबीसी बीग बी हॉट सीट पर बेसी बेबाकीपूर्वक सवालों जवाब आप ભરૂચનું ગૌરવ વધાર્યું હતું ભરૂચ શરયુ એપાર્ટમેન્ટમાં પોતાના પરિવાર સાથે રહેતા અને ક્વીન ઓફ એન્જલમાં ભણતો વિદ્યાર્થી અનમોલ શાસ્ત્રી કોન મનેગા કરોડપતિમાં બિગ બી સામે હોટ સીટ પર સવાલોના જવાબો આપી 25 લાખ જેવી માતબર રકમ જીતી અન્ય બાળકોને પણ પ્રેરણા આપી જીવનમાં કોઈ પણ સવાલનો જવાબ મેળવવા કોશિશ કરવી વધુમાં અનમોલ શાસ્ત્રીએ શરીયુ એપાર્ટમેન્ટના હોલમાં મીડિયા કર્મીઓ સાથે મુલાકાત આપતા જણાવ્યું હતું કે નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવવાની ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરી હતી मैं के बी में गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे अमिताभ बच्चन सर से मिल काफ़ी अच्छा लगा और मेरे को क्विजेस खेलना काफ़ी पसंद है तो मैं के बी में गया और वहाँ पे जाके क्विज खेला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अभी आगे क्या प्लान है आपका मेरा आगे का प्लान है अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनू या आप बोल सकते हो स्पेस साइंटिस्ट क्योंकि मुझे फिजिक्स मैथ्स में काफ़ी रुचि है और उसके साथ साथ मुझे जोग्राफी सब्जेक्ट भी पसंद है तो अभी तो मुझे एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है आपकी इच्छा ये भी है कि नोबेल प्राइज लेना है हां तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आ नोबेल प्राइज जीतने के लिए मैं जो मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता हूं उसमें मैं अपना बेस्ट काम करूं ताकि उसमें अभी मुझे कुछ आइडियाज तो हैं नहीं पर आगे जाके कुछ ऐसी मैं डेवलपमेंट करूं जिससे लोगों का काफी विकास हो तो वो मैं चाहता हूं जिसके कारण मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए अनमोल केबीसी में जाने के लिए आपने कैसे तैयारी की थी क्या क्या पढ़ रहे और कैसे आप इतने आगे आए के केबीसी के लिए तो मैंने पढ़ाई मतलब पहले मैं क्या करता था कि मैं कोई भी सब्जेक्ट हुआ कोई भी टॉपिक हुआ तो उसके ऊपर चीजें बहुत डाउट्स पूछता था फिर वो डाउट्स के ऊपर मैं चीजें सर्च करता था तो सर्च करते करते मेरे को सर्च करना काफी पसंद है तो उसके कारण मुझे नई नई चीजें मालूम पड़ी फिर वीक विज आया उसमें मैंने खेला तो वो काफी अच्छा था वीक विज के बाद फिर मुझे पता चला मैं कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्ट हुआ हूँ तो उसके लिए मैंने बुक्स खरीदी और फिर उसके अलावा मैंने चीजें पढ़ना चालू कर दी इंटरनेट okay, पर अमिता मुझे अमिताभ बच्चन सर से मिलकर काफी अच्छा लगा क्योंकि इतने बड़े एक्टर से मिलना बहुत बड़ी बात होती है और हम उधर गए तो वो काफी अच्छे नेचर के इंसान हैं तो मेरे को तो केबीसी में जाके बहुत अच्छा लगा अच्छा, तुम्हारे एज के उनको आप क्या टिप देना चाहते हो पन, के लिए? मैं तो सिर्फ यही टिप देना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके ऊपर आप डाउट्स पूछो कभी ऐसा मत सोचो कि डाउट्स मत पूछो और हर चीज का नॉलेज रखना पसंद करो जयरे एना पिता ब्रिजेश शास्त्रीए पुत्र पर गौरव व्यक्त करो तो, सदीना महानायक अभिताभ बच्चन साथनी मुलाकात ने अविस्मरणीय गणा नमस्कार मेरा नाम ब्रिजेश शास्त्री है मैं बेसिकली रहने वाला उज्जैन मध्य प्रदेश का हूँ महाकाल की नगरी का लेकिन पिछले करीब बावीस साल से मैं गुजरात में हूँ और आप ये बोल सकते हैं कि मैं गुजराती हो गया हूँ क्योंकि मेरा बेटा अनमोल शास्त्री उसका जन्म भी यहीं हुआ है उसकी पढ़ाई भी यहीं हुई है मेरी दोनों बेटियों की भी पढ़ाई यही हुई है तो मुझे बहुत प्रसन्नता है आप सब लोगों से बात करते हुए और अपने अनुभव शेयर करते हुए तो है आपका बेटा कौन बनेगा करोड़पति में तो आपको कैसा लगता है। हर पिता के लिए ये बहुत सम्मान का विषय होता है कि उसके बच्चे प्रगति करते हैं और उसी कड़ी में मेरा बेटा जो अनमोल शास्त्री है वो कौन बनेगा करोड़पति में उसने भाग लिया तो मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मैं इसे नर्मदा माता की कृपा बोलूँगा कि उसके किनारे हम आए और हमारी प्रगति बहुत अच्छी हुई तो इसके लिए मैं भरूच की धरती गर्वी गुजरात सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि उसके द्वारा हमारे जीवन में एक नए पल का शुरुआत हुआ नए युग का शुरुआत हुआ आप छोटे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं मैं छोटे बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जिंदगी में जो कुछ भी आपको पाना है उसके लिए पहले लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत जरूरी है और लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद उसके लिए तैयारी करना भी आवश्यक है जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमें अपने सपनों को जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक हमें लगातार उनकी तरफ बढ़ना है तो अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है अगर आप सोचो कि हम कोई शॉर्टकट लेके जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, तो वो अगर प्रगति होगी तो वो कुछ समय के लिए होगी अगर आपको जीवन में अच्छे लक्ष्य प्राप्त करना है तो कठिन परिश्रम और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए आजकल कर आप जान रहे हैं नए नए जो हमारे मोबाइल पे ऐप आ रहे हैं उनका इस्तेमाल हमको सावधानी से करना और अपने जो बड़ों के आदर्श हैं उनको अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ना इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए